Dear students, dear learners, now look at the board. Basic of grammar की शुरुआत अक्सर यहीं से होती है. आपने बहुत सारी किताबें और आपके टीचर्स ने बताया होंगे कि letters जो होते हैं वो 26 होते हैं, A to Z होते हैं, लेकिन sounds of letter जो होता है वो 44 होता है. Sounds of letters, letters के आवाज़ें जो होती हैं 44 होती है. अब ये 26 letters में 5 vowels होते हैं, इनमें से वो है A, E, I, O, U. ये 5 वावेल्स अगर हमने निकाल दिए तो हमारे पास बचता है 21 और वो कहलाता है कॉन्सोनेंट्स. जैसे ए छोड़कर बी, सी, डी, ई नहीं आएगा, ए, एफ आएगा, फिर इस तरह से और यू, आई नहीं आएंगे और जेड तक ऐसा हम लिखेंगे. तो ये 5 निकाल देने के बाद जो लेटर्स हमारे पास बचते हैं ए टू जेड में, ये 5 निकालने के बाद तो बी आएगा, सी, डी, एफ वगैरह आएगा. तो ये 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स. उसी तरह सेमी वावेल्स 3 होते हैं. ये सेमी होते हैं, ये इसमें भी आते हैं और वावल्स में भी, इनका सेमी वावल्स में शुमार होता है. तो ये 3 सेमी वावल जो है W, H और Y. जब ये लेटर्स आपस में मिलते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ये लेटर्स पूरा हमारे पास A टू Z है, उसमें से हमने B लिया और एक लिया लेटर वो है O और एक लेटर लिया Y, तो ये 3 लेटर मिले. कितना? लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3. तो ये क्या बन गया? तीनों लेटर मिलकर ये बन गया वर्ड. इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वर्ड. क्या कहते हैं? वर्ड. अगर हम यहां पर ये वाई को पहले लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे और फिर बी लिखेंगे, तो ये भी लेटर मिले हैं, ये भी लेटर को मिलाया गया आपस में, लेकिन ये वर्ड नहीं कहलाएगा. इट इज नॉट अ वर्ड. ये वर्ड है लेकिन ये वर्ड नहीं है. उसकी वजह ये होती है कि वर्ड उसको कहते हैं जिसका मीनिंग और सेंस होता है. ये जो बी ओ आ है, इसका मीनिंग है, इसको सेंस है, लेकिन इसका मीनिंग और सेंस नहीं है, इसलिए वर्ड नहीं है. इसी तरीके से अब हम यहां पर लिखते हैं, जैसे किसी का नाम लिखते हैं समीर. समीर भी एक वर्ड हो गया, इसको मीनिंग है, नाम है किसी का, मीनिंगफुल है. अब हम ये वर्ड जो है इनको आपस में मिलाएंगे. फॉर एग्जाम्पल समीर इज अ बॉय, ये एक वर्ड हो गया, ये एक वर्ड हो गया और ये एक वर्ड हो गया. ठीक है, ये भी एक वर्ड है, आर्टिकल अपने आप में. समीर इज अ बॉय, समीर एक लड़का है. समीर इज अ बॉय, ये एक वर्ड हो गया पूरा, ये एक वर्ड हो गया और ये एक वर्ड. अब ये वर्ड वर्ड वर्ड, पहले तो हमने देखा कि लेटर से मिला वर्ड बन गया, लेटर से मिला वर्ड बन गया, लेटर से मिला वर्ड बन गया. अब ये वर्ड वर्ड वर्ड, ये सब वर्ड मिलकर क्या बन गया पता है? वो बना है सेंटेंस. क्या बना है? सेंटेंस बना है. ये सब वर्ड्स मिलकर बनता है सेंटेंस. अब ये सेंटेंस भी आपको कोई भी कुछ भी लिख कर दे, हाँ, या फिर बॉय बॉय अ इज समीर, ऐसा उल्टा पुल्टा कोई भी लिख देगा तो ये चलेगा क्या? नहीं. इसमें वर्ड तो आया है, ये भी वर्ड आया है, वर्ड आया है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है. ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं है. जब सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से होगा तो इसका मीनिंग आएगा और तब जाके वो सेंटेंस कहलाएगा. तो हमने वर्ड में देखा, वर्ड जब बनता है तो लेटर मिलके बनता है, लेकिन वो लेटर मिलने के बाद उसका मीनिंग और सेंस होना चाहिए. सेंटेंस भी वर्ड से मिलकर बनता है तो उसका भी मीनिंग और सेंस होना चाहिए. अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको और नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेसन में आपको बताया जाएगा कि क्या होते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, बुक्स में कितने हैं और रियल लाइफ में कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. थैंक्स लॉट.